हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो वक्त बहुत कम है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, तो एक बार देख ले, हो सकता है इससे सवाल टपक जाए और बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है, बहुत ही कम टाइम बच रहा है, तो ए वन बाय वन करके यहाँ पे सवाल देते हैं। द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाई किसके द्वारा पेज फॉर लिविंग लिखा गया है? तो आरसी हचिंसन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, वेयर इज द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वॉच द प्ले, मतलब खेल देखने के लिए राइटर जो है कहाँ जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डबलिन। कहाँ जाते थे? डबलिन। नेक्स्ट सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट? मी एंड द इकोलॉजी बिट के लिखने वाले कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लेक्सुआ। क्या हो जाएगा? जॉन लेक्सुआ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे। इट हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, है ना, मतलब लोगों के लिए काम करना हार्ड है, कौन सा काम करना लोगों के लिए हार्ड है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, चार का ऑप्शन हो जाएगा इकोलॉजी, इकोलॉजी के लिए, मतलब पारितंत्र के लिए। ओके, ऑप्शन डी। महादेवी वर्मा वाज एन कहाँ की पोएट्रेस है, कवित्री है, कहाँ के महादेवी वर्मा? तो महादेवी वर्मा जो है ये इंडियन कवित्री है, ठीक है, इंडियन एज एन इंडियन पोएट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू वाज द नेम ऑफ, गिल्लू किसका नेम है? इससे सवाल बनता है गिल्लू से कि गिल्लू, पहले बताता हूँ गिल्लू का नाम क्या है। तो गिल्लू क्या है, गिल्लू वाज द नेम ऑफ किसका नाम है? स्क्वायरल का नाम है, एक गिलहरी का नाम है, ये चिक चिक टाइप का आवाज़ निकालती है, ये भी सवाल आ सकता है। गिल्लू को जब गिल्लू मर गया तो उसको संजूही पेड़ के नीचे दफनाया गया था, है ना, ये सब सवाल बनता है। व्हाट इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये हु इज द ऑथर ऑफ, कौन है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के राइटर कौन है? सत्यजीत राय, ठीक है, आंसर होगा सेवन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फेस्टिवल सत्यजीत राय रिसीव्ड अवार्ड, मतलब इनमें से कौन सा इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ जिसमें सत्यजीत राय को अवार्ड मिला है? तो वेनिक, कैनिस या बर्लिन? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, तीनों फेस्टिवल में। चलो नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं, आंग सान सुकी इज ए फेमस ऑफ, तो आंग सान सुकी जो फेमस है पॉलिटिशियन, एक राजनीतिक है, कहाँ के राजनीतिक है? तो ये जो ये है बर्मा के, कहाँ के है? बर्मा के पॉलिटिशियन है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, वेन डिड आंग सान सुकी गेट द नोबेल प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज आंग सान सुकी जो है, कब आंग सान सुकी को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन है 1991 में। ओके, क्या हो जाएगा? 1991 में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, आंग सान सुकी को नोबेल प्राइज 1991 में मिला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल वंस अपन ए टाइम, वंस अपन ए टाइम के राइटर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, गिल्लू सवाल में पूछा था उसका जो राइटर का नाम महादेवी वर्मा, ठीक है, तो अब यहाँ बताना वंस अपन ए टाइम जो है इसके राइटर कौन है? टॉनी मॉरिसन, ठीक है, टॉनी मॉरिसन। इसको भी मिला है प्राइस, जो कि पढ़े होंगे, इसको भी मिला है प्राइस, और 1993 में मिला है सर, तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है, इसको 1993 में मिला है नोबेल प्राइज, टॉनी मॉरिसन को भी मिला है नोबेल प्राइज 1993 में, और आंग सान सुकी को नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 1991 में। हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, सबसे पहला कौन औरत है, काली महिला जो नोबेल प्राइज उसको मिला है? तो वो है टॉनी मॉरिसन, ठीक है, कौन है? टॉनी मॉरिसन हो जाएगा, यानी कि 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी, टॉनी मॉरिसन। नेक्स्ट है, हु हैज़ डिलीवर द लेक्चर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि ये जो राइटर जो ये लेसन का नाम है इसके लिखने वाले कौन है, ठीक है, तो हुमायूं कबीर, कौन हो जाएगा? हुमायूं कबीर। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल द यूनिटी ऑफ, सवाल रिपीट हो गया, तो इसके राइटर कौन है? हुमायूं कबीर। हु इज द ऑथर ऑफ आर्टिकल द लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन का राइटर कौन है? लियो टॉलस्टॉय, है ना, लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेयर डिड द टू लिटिल गर्ल्स मीट, दो लिटिल गर्ल लड़कियां हैं, छोटी बच्ची कहाँ मिलती है? तो ऑन द रोड, ऑन द फ्रंट रोड, क्या हो जाएगा इसका 16 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, इन लैंड बिटवीन टू होम स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु क्रिएटेड द पोएम मेड द इकोलॉजी, है ना, मेड द इकोलॉजी बिट पढ़े होंगे, मेड द इकोलॉजी बिट है उसके लिखने वाले कौन है? गॉड मेड द कंट्री, सॉरी मैन मेड द, है ना, वही गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, है ना, वही है गॉड मेड द कंट्री, गॉड यहाँ पे छूट गया, गॉड मेड द कंट्री, तो विलियम कूपर, ठीक है, विलियम कूपर इसके लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है, विलियम कूपर मे बी सेड टू बी लिविंग इन हिज पोएम्स फॉरेस्ट ऑफ द पोएट्री, तो कहाँ वो रहने के लिए,
किसके साथ बता रहा, विलियम विलियम कॉपर मे बी सेड बी गिविंग इन हिज पोएम्स फॉर टेस्ट ऑफ पोएट्री, तो किस कवि के बारे में बताता है वो विलियम कूपर। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका होगा ए होगा वर्ड्सवर्थ, ठीक है वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑन ओड ऑन सॉलिट्यूड के राइटर कौन है, ओड ऑन सॉलिट्यूड के राइटर है अलेक्जेंडर पोप, कौन है अलेक्जेंडर पोप, आंसर ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं द बेस्ट डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर इज, है ना द बेस्ट सॉरी द पोएट डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर इज, तो 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना बरीड, ठीक है बरीड। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे द पॉलिथिन बैग मेल्ट डाउन वेन ए लिटिल क्या जाएगा कोल्ड अप्लाइड या वाटर अप्लाइड या मिल्क, तो यहाँ पे 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा वार्म्थ, है ना वार्म्थ। पॉलिथिन बैग मेल्ट डाउन वेन लिटिल अप्लाइड, तो मतलब मेल्ट मतलब पिघल जाना गल जाना, ठीक है तो कब जब वार्म्थ जब होता है उसको जब करता है अप्लाई करता तो मतलब हीट करता है तब होता है, ठीक है वार्म्थ मतलब वही हीट हुआ जब करते तो पिघलेगा, ऐसे नहीं पिघलेगा। हु इज द पोएट ऑफ पोएम पॉलिथिन बैग के पोएम कौन है, ठीक है पॉलिथिन बैग के पोएम का नाम, तो पोएम का नाम राइटर का नाम जो भी है उसका राइटर का नाम याद कर लीजिए दुर्गा प्रसाद पांडा, ठीक है कौन है पोएट का नाम पूछा जा रहा है। हु इज द राइटर ऑफ इस पोएम के राइटर कौन है दुर्गा प्रसाद पांडा। हु रोड दिस द अंडरलाइन लाइन्स, ये लाइन जो लिखा हुआ है कि हर टीयर्स कर्व्ड ए रिवर एंड सी ब्रूड ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज, 23 है ना 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा सी विद्यापति, क्या हो जाएगा विद्यापति, ठीक है। और ये पता है कि ये जो थिनर देन क्रिसेंट जो चैप्टर है उसका लेटर है। हु इज क्राइंग, कौन चिल्ला रही कौन रो रही है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राधा, 24 का आंसर क्या हो जाएगा राधा। और लॉर्ड कृष्ण के बारे में बताया गया उसका जो एक नाम था क्या बोलते हैं माधव इस तरह कुछ नाम था देख लीजिएगा उसको मैं बताया था आपको। द पोएम एम्प्टी हार्ट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा सी ग्रीड, क्या होता है ग्रीड खाली दिल जो होता है जो लालची टाइप का होता है ना। और इसका आपको पता है द एम्प्टी हार्ट का राइटर है प्रियासमी थुरन, एक कोयल आपका चैप्टर है उसका भी राइटर पूरन सिंह पढ़े होंगे है ना पूरन सिंह उसके चैप्टर के बारे में पढ़े होंगे। और भी है इसका एक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है द स्लीपिंग पोर्टर याद कर लीजिएगा। मार्था एक लेसन है उसका नाम है वाल्टर डेला डेला मेयर, ठीक है। और प्रेमचंद द जनवरी नाइट हो गया एलर्जी हो गया राणा एसपी सिंह, ठीक है ये सब देख लेना आपको। द बिट हो गया एंटोन चेकोव, क्वालिटी एक लेसन है जॉन गॉल्सवर्थी, सन एंड मून है ना कैथरीन मैंसफील्ड, लव डिफाइल्ड है बाई गिरधर झा, बिना पानी महौंती क्या है टू हॉरिजन्स, तो ये सब आपको राइटर का नाम देख लेना है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। नॉर्मली सवाल आ रहा कोई खास हार्ड सवाल नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं अगर आपके पास किताब है ना तो हर लेसन का शुरू से 10-10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए उससे सवाल मिलेगा आपको। ओके फिलहाल वीडियो के यहाँ पे लास्ट करते हैं, वीडियो कैसे लगी नीचे लाइक करके जरूर बताना। ओके डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।